क्या अजिंक्य रहाणे और पुजारा का करियर हो चुका है खत्म? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा बहुत ही सोची समझी बात बोलते हैं यहाँ पे, और एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सामने रखते हैं ऑडियंस के। वो ये कहते हैं कि एक तरफ जहाँ पे शुभमन गिल ने टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा को नंबर 3 के स्पॉट पे रिप्लेस कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अजिंक्य रहाणे का जो नंबर 5 वाला स्पॉट है वो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर यहाँ पे ले चुके हैं। दो श्रेयस अय्यर की जो कंसिस्टेंसी है उस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि वो एक मैच में परफॉर्म करते हैं, उसके बाद थोड़े मैचों के लिए वो थोड़े से शांत हो जाते हैं। मगर एक तरह से देखा जाए तो ऑडियंस भी बोल रही है, उनके फैंस भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा अब कभी भी हमें वापस से इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखे, क्योंकि एज भी ज़्यादा हो गई है और जहाँ तक देखा जाए बीसीसीआई पूरे के पूरे यंग टैलेंट पर फोकस कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि अजिंक्य रहाणे और पुजारा को एक और चांस मिलना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आने का या फिर नहीं? जो भी आपका ओपिनियन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और अगर ऐसा कॉन्टेंट पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।